मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय मामलों, वित्तीय प्रणालियों और निवेश विकल्पों में व्यापक वित्तीय साक्षरता विकसित करने के लिए एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया है। भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में आर्थिक मामले कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर गहन मंथन होगा। नागपुर के रामदास पेट इलाके के सेंटर पॉइंट होटल में शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रमुख उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। अमृतकाल शीर्षक से मंथन सत्र शुरू हुआ, अर्थात संगोष्ठी का समापन रविवार 8 जनवरी को होगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के बाद बाजार विशेषज्ञ एसपी तुलसियान सम्मेलन को संबोधित किया। शाम 4:30 बजे केडिया सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक विजय केडिया सत्र में अपने विचार रखे। शाम के सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य वक्ता थे। इसके बाद वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप के को फाउंडर डॉक्टर अपूर्व शर्मा उपस्थित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल, मॉर्गन स्टेनली इंडिया के प्रबंध निदेशक रिदम देसाई, कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक निलेश शाह रविवार 8 जनवरी को सत्र में भाग लेंगे। इस सूचनात्मक और निवेश मंत्र कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क रहेगा। अमृतकाल इस कार्यक्रम की संकल्पना नागपुर शहर की यशस्वी उद्योजिका और अर्थशास्त्र की गाड़ी अभ्यासक शिवानी दाणी वखरे इनकी है। मैं सबसे पहले शिवानी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण विषय पर लगातार पिछले 7 सालों से फाइनेंशियल लिटरेसी पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इस विषय को सेंटर स्टेज पर लाने का काम ये उन्होंने किया है और कई कार्यक्रमों में मैं आया हूँ और मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग और विशेष रूप से हमारे युवा इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं। पिछले समय मनी बी मंथ जो उन्होंने किया, इसके माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत बड़ा अवेयरनेस तैयार हुआ और मैंने करीब से देखा कि उनके इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले जो युवा है, इन युवाओं से जब मैंने कई बार इंटरेक्शन किया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वे अपने आप को फाइनेंशियली और फाइनेंशियल लिटरेसी में ग्रो होता हुआ देखते हैं। उनमें से कई लोगों ने कहा कि उनके जॉब में उनको फायदा हुआ, कुछ लोगों ने कहा हमारे प्लेसमेंट में हमको फायदा हुआ। तो एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व को एक नए तरीके से ग्रूम करने का काम इस फाइनेंशियल लिटरेसी के आंदोलन के माध्यम से हुआ है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज, नागपुर।